तो आज का लेक्चर हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हम लोगों ने यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। सीरीज कहने का मतलब एक रेसिस्टेंस जस्ट उसी कनेक्टिंग वायर से लगाया हुआ है, इट मींस बिना ब्रांचेस को खोले हुए। और पैरेलल में क्या है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, इट मींस की ब्रांचेस अलग अलग होंगे हर एक रेसिस्टेंस के लिए। यहाँ पर बात करेंगे आर वन और आर टू हमने क्या सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया, इट मींस की यहाँ से कनेक्टिंग वायर एक ही है। बट यहाँ पर R1 और R2 में हमारे पास कनेक्टिंग वायर कितने हैं, दो ब्रांचेस बना दिए गए हैं। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पोटेंशियल V एंड करंट I इज फॉलोइंग, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I इज फॉलोइंग। तो हमें ये चीज याद रखना हो कि जो भी सीरीज होते हैं उनमें करंट जो होता है वो दोनों में सेम फ्लो होता है। इट मींस कि अगर पहला पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल क्या होगा, क्या पोटेंशियल R1 पे R2 पे सेम होगा, बिल्कुल नहीं। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड R2 इज डिफरेंट। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 एंड V2 डिफरेंट होगा, इसलिए जो टोटल पोटेंशियल होगा अक्रॉस R1 एंड R2 इज गोइंग टू बी टोटल विच इज इक्वल टू V। तो यहां जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहां जो भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, वो सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस R1 एंड R2 विल बी इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस सर्किट। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, वेयर V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ठीक है। ये होगा हमारे पास टोटल, इट मींस कि इसे हम पहला इक्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि द सेम करंट इज फ्लोइंग, इट मींस हमारे पास क्या हो रहा है, जो R1 है उसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें भी करंट I फ्लो हो रहा है, वापस करंट क्या हो जा रहा है, I मिल जा रहा है। तो सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो होने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट V1 इज इक्वल टू I R1, पोटेंशियल एट V2 इज इक्वल टू IR2। तो पोटेंशियल एट V1 एंड पोटेंशियल एट V2 दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। हमारे पास क्या है, सो देयरफॉर पोटेंशियल एट V1 इज इक्वल टू IR1, क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR1। Similarly, potential at V2 is equal to IR2. ये क्या हो गया? इस तरीके से potential V1 from one, from equation one, हमारे पास क्या हो जाएगा? V is equal to IR1 plus IR2. अब बात यहां जाना कि V को हम कैसे replace करेंगे? तो जो cell है, it means जो potential provide कर रहा है, वो किसी भी circuit को एक ही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की तरह से देखता है। इट मींस कि हमारे पास मान के ये क्या करना है कि हमने एक रेसिस्टेंस ले लिया, तो ये रेसिस्टेंस कैसा होगा, आर इक्विवेलेंट होगा। तो सेल हमेशा जब भी पोटेंशियल भी है आई अक्रॉस लगा हुआ है, तो हमेशा सेल जो है वो जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए रहते हैं उनका ये एक ही तरह से देखता है, जो R equivalent के फॉर्म में होगा। So from here according to Ohm's law, अगर Ohm's law लगाए तो V is equal to I R equivalent, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे V is equal to I R equivalent, यहाँ से हम क्या करेंगे, replace कर देंगे कहाँ पे V, it means कि जो पूरा का पूरा potential drop दे रहा है वो क्या हो रहा है, sum of the potential drop across R1 and R2. Therefore, V equals to IR equivalent IR1 IR2. यहां से I I I आपस में क्या कर दिए, कट गया, R1 plus R2 रिजल्ट दे दिया। तो R equivalent जो बन रहा है वो क्या है, the sum of all the resistance connected in the series, जो भी connected है वो series के
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देख रहे हैं। इस टर्म से या इस एक्सप्रेशन से एक और पॉइंट निकल करके आता है क्या, आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर वन, आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर टू। तो जो भी जितने भी रेसिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे उन सब का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होने वाला है वो किसी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां से तो हम लोगों ने तीन चीज केसेस लिया है, करंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वन एंड आर टू डिफरेंट होगा, तो सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट इज गोइंग टू हैव अ गिविंग द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां से वी वन आई आर वन वी टू आई आर टू, हमने टोटल क्या हो गया कि जो भी सेल होता है वो सारे रेसिस्टेंस जो भी कनेक्टेड होते हैं वो कैसे दिखाते हैं, आर इक्विवेलेंट की तरह। सो वी इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, यहां से हमने वैल्यू पुट कर दिया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब हम सीरीज में, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए, यहां पर देख रहे हैं क्या आई वन आ गया, बट करंट जो है वो आई वन, इट मींस कि यहां पर करंट की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट डिवाइड हो गया, लेकिन क्या पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पर पोटेंशियल वी और यहां पर पोटेंशियल जीरो, तो आर वन जो है वो पोटेंशियल क्या हो रहा है, वी जीरो, यहां भी पोटेंशियल क्या है, वी जीरो, इट मींस पोटेंशियल यहां पर वी है यहां पर जीरो है, सो आर वन इज कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल वी जीरो, आर टू इज कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल वी जीरो, सो इन दोनों में क्या है, पोटेंशियल सेम है, सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एंड करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो करंट इज डिवाइडेड अक्रॉस आर वन एंड आर टू। तो जितने भी रेसिस्टेंस होंगे लगे होंगे उन सारे रेसिस्टेंस में क्या होगा, करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम ये मान करके चल रहे हैं जो I1 होने वाला है वो I1 प्लस I2 होगा, इट मींस यहां से करंट I1 गया, वापस करंट I1 आ गया, वापस करंट I2 आ गया, और I1 I2 दोनों मिलकर के क्या बना दिया, I, और यहां पे I आ गया, सो टोटल करंट इन द सर्किट इज गिवन एज द इंडिविजुअल करंट पासिंग अक्रॉस R1 एंड R2। तो जितने भी करंट होगा तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, और करंट I इज गिवन बाय V बाय R, हमें क्या दिखना है कि करंट देखना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, R1 और R2 में कितना करंट, हमने जान लिया कि पोटेंशियल जो है वो दोनों में क्या है, सेम है, तो एट सेम पोटेंशियल I1 इज गिवन बाय, I1 इज गिवन बाय V बाय R1, I2 is given by V by R2। Similarly, अभी हमने सीरीज में बात किया था कि जो भी सेल होता है वो क्या करता है, सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस जो होते हैं वो इक्विवेलेंट की तरह से देखता है, तो सिमिलरली यहां भी क्या हो जाएगा, जो भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं उन सबको किस तरीके से देखेगा, R इक्विवेलेंट की तरफ से, पोटेंशियल क्या है, सेम है, V I is flowing, so पोटेंशियल अगर सेम हो तो V equals to IR और I equals to V by R, टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है, सो I is given by V by R, हमारे पास इक्वेशन क्या हुआ, लेट सपोज दैट इसे फर्स्ट ले लेते हैं, सो इन दोनों को क्या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो I is equal to V by R equivalent, यहां से R equivalent की ओर देख रहा है, I1 की वैल्यू V by R1, V by R2, पोटेंशियल इज गोइंग टू हैव अ सेम इन पैरेलल, तो यहां से 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया, या फिर अगर इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जब भी दो रेसिस्टेंसेस अगर दिए हुए हैं आर वन एंड आर टू, सो आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आ जाएगा, आर वन आर टू को क्या कर दो, एलसीएम ले लो, आर वन
आर टू क्या हो जाएगा, आर टू प्लस आर वन, वन बाई आर इक्विवेलेंट, इसे पलट दो, आर वन आर टू पर चला जाएगा और नीचे आर वन बाई आर टू, आर इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये यूज होता है, ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज गोइंग टू हैव अ ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो भी आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू हैव लेस देन आर वन और आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू हैव लेस देन आर टू, तो जितने भी कॉम्बिनेशन लगाए गए हैं पैरेलल में उन सबके जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से बिल्कुल कम होंगे, ठीक है। आगे हम आप लोग अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने सीरीज और पैरेलल के एक छोटे से कॉम्बिनेशन ले रखा हुआ है, अरेंजमेंट ले रखा हुआ है, जहां पर 2 ओम 4 ओम 12 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्टेड है, 3 ओम और 6 ओम 6 ओम 12 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्टेड है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द करंट अक्रॉस 2 ओम, इट मींस कि 2 ओम के अक्रॉस कितने करंट फ्लो होने चाहिए एंड फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम एंड आर ओम। तो सीरीज की अगर बात करें तो इसमें क्या होती है, करंट इज सेम, आई क्या है सेम है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंट है। अब कहा गया है कि जो भी सेल होता है वो कैसा देखता है, तो इन दोनों को किस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की ओर देखता है। सो आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू हैव, सीरीज में हमारे पास क्या है, आर वन प्लस आर टू, वी हैव 2 ओम प्लस 4 ओम, टोटल इज इक्वल टू 6 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना, 6 ओम हो गया। अब हमारे पास पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट अगर पोटेंशियल है तो हम देख लेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, V हमारे पास कितना 12 वोल्ट, I नहीं पता, R 6, तो I की वैल्यू जो हो जाएगी वो लगभग वो या 2 एम्पियर आएगा, इट मींस कि 2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोगों ने यहां से निकाल लिया कि करंट अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू हैविंग 2 एम्पियर। सो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम एंड 4 ओम कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इट मींस पोटेंशियल कितना होगा। सो V इक्वल्स टू IR, R कितना है 2 ओम, I कितना है 2 एम्पियर, तो V हमारे पास क्या हो गया, V निकल गया, V IR 4 इंटू सॉरी सॉरी 2 इंटू 2, V इक्वल्स टू 4 वोल्ट, V का वैल्यू कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। अब 4 ओम जो है, 4 ओम R इज इक्वल टू 4 ओम, I इज इक्वल टू क्या, I मतलब 2 एम्पियर, 2 एम्पियर क्या होगा सीरीज में दोनों में सेम होगा इसलिए यहाँ पे 2 एम्पियर, V इज इक्वल टू 4 टू जा 8, इट मींस कि 8 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज होगा, 8 वोल्ट पोटेंशियल इज 8 वोल्ट। अब देखें कि पोटेंशियल यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 4 एंड 8 इज गोइंग टू हैव अ 12 वोल्ट, सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो हमारे पास क्या हो गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और 4 प्लस 8 टोटल कितना हो गया, पोटेंशियल 12 वोल्ट आ गया। तो इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हम लोग समझ गए। दूसरे क्वेश्चन में हमारे देखा हुआ है 3 ओम और 6 ओम 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो जो भी सेल होता है, जो भी कॉम्बिनेशन है वो इक्विवेलेंट की ओर देखता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, 3 एंड 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो R इक्विवेलेंट इज गिवन बाय 6 इनटू 3 बाय 6 प्लस 3, 6 3 जा 18 एंड 9 कितना हो जाएगा 12 ओम होगा। कैसे, R इक्विवेलेंट अभी हमने बताया था R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये हमने भी बताया था R इक्विवेलेंट निकालना हो तो यहां से हमारे पास क्या हो गया 2 ओम। नाउ पोटेंशियल इज 12 वोल्ट, तो जो भी करंट फ्लो होगा हम लोग निकाल लेते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है, सो V इक्वल्स टू
IR. V की वैल्यू 12, R की वैल्यू 2 एंड I की वैल्यू 2, 2, 6, 12, 6 एम्पियर. I का जो वैल्यू है वो 6 एम्पियर, यानी कि 6 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. तो याद रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज डिफरेंट, I इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज सेम. तो पोटेंशियल 3 ओम रेसिस्टेंस पे क्या होगा, सेम 12 वोल्ट होगा. सो R इज इक्वल टू 3 ओम, पोटेंशियल इज 12 वोल्ट. R इज इक्वल टू 6 ओम, पोटेंशियल इज 12 वोल्ट. सो इन दोनों में अगर देखें तो करंट कितना आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V बाय R. I यहां पर कितना होगा, V 12 वोल्ट बाय 3, इट मींस I इज इक्वल टू 4 एम्पियर. तो इसमें I का वैल्यू कितना हो गया, 4 एम्पियर. यहां पे देख लेंगे फिर से, I इज इक्वल टू V बाय R. सपोज दैट कि I1 अगर इधर मूव किया, I2 इधर मूव किया, तो हमारे पास I2 के वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाय R, और V बाय R क्या हो जाएगा, 12 बाय 6, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर. सो I1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर. ऑल टुगेदर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर जो मुझे आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. फिर से बता दे रहा हूं, करंट अगर निकालना है 3 ओम एंड 6 ओम के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले. और R इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगर दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तो R1 R2 एंड R1 प्लस R2 इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. इक्विवेलेंट निकल गया, पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट किस तरीके से होता है, R इक्विवेलेंट की तरह. करंट हम निकाल लेंगे, करंट जितना आ गया, अब यहां पे क्या होगा, इस जगह पे पोटेंशियल कितना हो गया 12 वोल्ट और इस जगह पे 0, तो सेम पोटेंशियल से 3 ओम और सेम पोटेंशियल से 6 ओम कनेक्टेड है. हम यहां पे क्या कर ले, R is equal to 3, V is equal to 12 वोल्ट. I1 निकाल लिया 4 एम्पियर और I2 सिमिलरली निकाल लिया 2 एम्पियर. 4 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 6 एम्पियर. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया. इस तरीके से क्वेश्चन को हम, हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन हमने देख लिया. अब यहां पे तीनों में R इक्विवेलेंट निकालना है. सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की और तरफ देखेंगे. यहां पर A और B के बीच में हमें R इक्विवेलेंट निकालना है. अब ये किस तरीके से है हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, चलो ट्राई करते हैं. ट्राई क्या, A और बीच के बीच में, A और B के बीच में हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ था. एज्यूम कर लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है. ठीक है, एज्यूम कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है. करंट क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, इसे मिटा देते हैं. एज्यूम कर लिए, करंट का मूवमेंट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें ए और बी के बीच में निकालना है. सो करंट क्या हो रहा है, यहां से तीन ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं. आई वन ले लेते हैं, आई टू ले लेते हैं और आई थ्री ले लेते हैं. मान के चलो करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. क्यों, क्योंकि यहां पर तीन ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो तीनों ब्रांचेस. अब ये करंट आई थ्री जो है वो आई टू को कवर किया, फिर क्या हो जाएगा, आई थ्री को कवर करेगा. I2 जो है वो 2 ओम से अक्रॉस करेगा, यहां से I2 और यहां से I3 आ गया. I1 जो सफर कर रहा था वो यहां भी I1 सफर किया और फाइनली यहां भी I1 सफर किया. तो टोटल करंट जो हो जाएगा वो एट B I मिल जाएगा. यानी कि I1 I1 तो 2 और 2 ओम, इसमें दोनों किस तरीके से है, तो ये दोनों सेम करंट फ्लो हो रहा है, इट मींस ये सीरीज में है. I3 एंड I3 सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी कैसे हो गए, सीरीज में हो गए. अब सीरीज में हो गए तो हम क्या करेंगे कि R इक्विवेलेंट निकालेंगे. R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कि बिटवीन 2 एंड 2, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, A पैरेलल जैसा दिख रहा है, ए बी पहले वाले को हम ले लिए 2 एंड 2, इट इज 4 ओम. दूसरे थर्ड वाले में हम ले लिए 2 एंड 2,
इट इज 4 ओम, यहां पर I1, यहां पर I2 और यहां पर I3। तो R इक्विवेलेंट यहां से हमारे पास क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, हमारे पास कितना हो गया 2 प्लस 2 4 ओम। सिमिलरली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 ओम, यहां से 4 ओम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मिडिल पार्ट में है, मिडिल पार्ट में क्या हुआ 2 ओम, तो मिडिल पार्ट वाला जो रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है। अब ये तीनों जो हो गए वो कैसे बन गए, ये तीनों पैरेलल में हो गए कॉम्बिनेशन। पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/2 और 4/2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 2 एंड 2 इट इज 4, सो 4/4 1, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो कैसा हो जाएगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम आएगा। सिमिलरली हम लोग दूसरे सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल हायर है लोअर है, ए से बी के बीच में हमें निकालना है। सो करंट आई मूव कर रहा है, करंट आई मूव कर रहा है। अब करंट जो इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया I1 I2 मूव किया, फिर से क्या हो गया I2 I1 और यहां क्या मिल गया I मिल गया। तो I क्या हो रहा है, यहां भी मूव कर रहा है। हमारे सारे रेसिस्टेंस कैसे हैं, 2 ओम के हैं। तो A से इस पॉइंट तक, हम इस पॉइंट का नाम लेते हैं C, ठीक है, R इक्विवेलेंट AC अभी यहां तक ले लेते हैं, फिर आगे यहां हम लोग CD ले लेंगे, उसके बाद फिर B आगे ले लेंगे। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन AC इज गिवन बाय क्या है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों सीरीज में है तो 2 ओम प्लस 2 ओम इट इज हाउ मच 4 ओम। तो इन दोनों के बदले हम अगर अब कॉम्बिनेशन करना चाहें, ठीक है, एक सिस्टम और बना लेते हैं या पहले बनाते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर बनाना चाहें तो इनके लिए एक ही बना लेते हैं, पैरेलल है, ये 4 ओम का हो गया, ये 2 ओम और यहां पे एक रेसिस्टेंस 2 ओम का है। अब हमारे पास पॉइंट जो है ये सी है, ये डी है और ये बी है। तो सी डी के बीच में आर इक्विवेलेंट सी डी इज गिवन बाय दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, सो 1/2 प्लस 1/2 इट इज 2/2। तो 2/2 हो गया, हाफ हाफ करके कितना 1 ओम। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम हो गया। अब इनके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार के हो जाएगा, दोनों के बीच में हमारे कैसे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, एक ही तरह के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो यहां से यहां कैसा बन गया, 1 ओम का बन गया। अब देखा जाए ए और बी के बीच में, यहां पे पॉइंट हमारा था ए, ए 4 ओम, सेम 1 ओम, सेम 2 ओम, सो 4 1 और 2 ये तीनों कैसे बन गए, सीरीज में बन गए। तो सीरीज के लिए हमारे पास R इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इक्विवेलेंट ए टू बी इज गिवन बाय 4 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम, 4 एंड 1 5 5 to 7 ओम। तो R इक्विवेलेंट कैसा निकल जाएगा, 7 ओम इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, A और B के बीच में हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, इट मींस करंट का जो मूवमेंट है वो ऐसा है, I करंट फ्लो हो रहा है, यहां से क्या हो गया ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मान के चलिए यहां पर I1 हो गया और यहां पर I2 हो गया, फिर से यहां पर आ गया I1, I1 क्या हो गया I2 में और I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I2 यहां पर ये I3 आया, फिर वापस I2 I3 मिलकर के क्या बना दिए, I1 बना दिए, ठीक है, I1 यहां पर फिर वापस आ गया, I2 आ गया और फिर यहां से I1 वापस आकर के I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, I1 I2 वापस मिलकर के यहां पर I कवर हो गया, ठीक।
तो यहां से हम क्या करते हैं कि मूव तो कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात और चीज ध्यान में डालेंगे कि कभी भी जो करंट है वो अपना रास्ता रिपीट नहीं करता है। एक बात नोट करने की चीज है, कभी भी करंट जो है वो अपना रास्ता रिपीट नहीं करता है। सो करंट एक बार ही सर्किट में मूव करेगा, दोबारा मूव नहीं करता है। तो R इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो R2 I2 जो है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम सेम करंट इज मूविंग, तो इन तीनों में अगर सेम करंट मूव हो रहा है तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम कितने हो गए, 6 ओम हो गए। यानी कि R इक्विवेलेंट यहां पे कैसा हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। I2 करंट मूव हो रहा है, I2 करंट सेम करंट मूव हो रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम कितने हो गए, 6 ओम हो गए। अब इनके पास हम पॉइंट अगर ले लें, ठीक है, तो यहां पे x ले लेते हैं और यहां पे y ले लेते हैं। R इक्विवेलेंट एक्स वाई इज गिवन बाई 2 + 2 + 2 = 6 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। अब क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को थोड़े आसान बना देते हैं और हम इनके लिए एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा देते हैं। कैसा हो गया, 6 ओम हो गया। अब x और y के बीच में फिर से निकालना हो जाए, x और y के बीच में, ठीक है, तो x और y के बीच में कैसे निकाल देंगे, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। नाउ x एंड y आर इन, नाउ 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट एक्स वाई इज गिवन बाय 1/3 + 1/6 6 हो गया, 2 + 1 = 3/6 1/r इक्विवेलेंट और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। तो इन दोनों जो हमारे पैरेलल्स में लगे हुए थे, इन दोनों के बदले अब क्या हो गया, एक ही रेसिस्टेंस हम लगा देंगे और कितने का, 2 ओम का लगा देंगे। तो यहां से ये इरेज करके हमने क्या कर दिया, 2 ओम का रेसिस्टेंस का, 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया यहां से 2 ओम। फिर से देख रहे हैं करंट क्या हो रहा है, I1 मूव कर रहा है, तो ये 2 ओम एंड 2 ओम एंड 2 ओम फिर से कैसे हो गए, सीरीज हो गए, अच्छा लग रहा है, ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में हो गए, अब यहां से हम क्या करते हैं, पॉइंट का नाम ले लेते हैं और यहां पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम P और इस जगह पे हम ला लेते हैं Q। तो PQ R इक्विवेलेंट एट PQ इज गिवन बाय 6 ओम, फिर से भाई 6 ओम। तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, PQ के बीच में एक ही रेसिस्टेंस लगा देते हैं और वो कितने का लगा देते हैं, 6 ओम का लगा देते हैं, यहां से 6 ओम का लगा दिया। सेम प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, मैच हो रहा है, 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, 6 और 3 अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 6 एंड 3 आर इन पैरेलल तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओम का आएगा। तो 2 ओम आ गया, यानी कि अगर यहां पर हम पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पे ले लें कौन सा, सीडी ले लेते हैं, सीडी, तो आर इक्विवेलेंट सीडी इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, 1/3 + 1/6 = 1/r इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा 1/2, इट मींस r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम। यहां से r इक्विवेलेंट क्या हो गया, इन दोनों के बदले कितना हो गया, 2 ओम हो गया। अब इनके लिए एक ही रेसिस्टेंस लगा देते हैं 2 ओम का, 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ये कैसे हो गया, सीरीज में हो गया। देयरफॉर r इक्विवेलेंट ab इज गिवन बाय 2 ओम 2 ओम + 2 ओम = 6 ओम। तो इस तरीके से हम सर्किट को छोटा करते 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 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन या तो सीरीज में होंगे या तो पैरेलल में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में फाइंड द करंट इन 2 ओम
5 ओम एंड 3 ओम रेसिस्टर। हमारे पास यहाँ दिख रहा है दो तो हमने पोटेंशियल ले रखा हुआ है। अब दो दो पोटेंशियल ले रखा हुआ है तो एक बात, अभी इस क्वेश्चन के जस्ट पहले हम लोगों ने बात किया था, करंट डज नॉट रिपीट पाथ, जो भी रास्ते में वो चलता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो रिपीट नहीं करता है इट मींस कि ये हायर पोटेंशियल प्लस माइनस, तो करंट जो होगा वो आगे मूव करेगा। करंट यहाँ पर आई वन मूव कर, आई मूव करेगा, करंट यहाँ आएगा और ये करंट वापस आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, तो यहाँ से करंट आई मूव करेगा, यहाँ से करंट मूव करेगा, यहाँ से करंट मूव करेगा। अगर ये डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट का डबल डायरेक्शन, इट मीन्स करंट रिपीट करेगा तो आई इधर मूव करेगा और वापस आई आ जाएगा। यानी कि 5 ओम रेसिस्टेंस में किसी प्रकार का कोई करंट मूव नहीं कर रहा है। इट मींस कि 5 ओम रेसिस्टेंस में I इज इक्वल टू 0, ठीक है। I एट 5 ओम इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल V है हमारे पास 5 वोल्ट, तो 2 ओम में कितना होगा, ये तो बड़ा इजी सवाल है। 2 ओम हमारे पास V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, R is equal to 2 ohm, apply V equals to IR, या फिर हमारे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V by R, V हमारे पास कितना है 5, R कितना है 2, it means 5/2 एम्पियर आ जाएगा, सिंपल। 3 ओम में सिमिलरली V equals to IR, V का वैल्यू कितना 10 वोल्ट, R का वैल्यू कितना 10 वोल्ट, R का वैल्यू कितना 3 ओम, तो V equals to IR यहाँ भी अप्लाई कर दिया जाए, I is equal to V by R 10/3 एम्पियर, यानी कि I का वैल्यू निकल जाएगा। बट 5 ओम रेसिस्टेंस पे किसी प्रकार का कोई करंट मूव नहीं करेगा, अगर करंट मूव करेगा तो करंट का जो पाथ है वो रिपीट हो जाएगा, जो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है A और B के बीच में, ठीक है। करंट I यहां से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद करंट दो भागों में डिवाइड होगा, I1 और I2। I1 यहां भी क्या हुआ, I1, और ये जो करंट मूव कर रहा था I2, वापस यहां पर आकर के ये I2 और ये I1 मिल क्या गया, I मिल गया। यानी कि I1 और I1 दो हमें दिख रहा है, I1 एंड I1, तो ये दोनों 10 एंड 10 ओम कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हो गया कैसे, ये दोनों सीरीज, I2 एंड I2 ये दोनों कैसे हो गया सीरीज, तो 10 एंड 10 20 ओम सीरीज। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना मिल गया 20 ओम, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना मिल गया 20 ओम। 20 ओम एंड 20 ओम कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B इज गिवन बाय R1 प्लस 20 ओम एंड 20 ओम, 20 ओम 20 ओम अगर ये पैरेलल में आ गए तो 1/20 प्लस 1/20 कैसा मिल जाएगा 22, इट मींस 1/10, या फिर हमें R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10, 10 आ गया, 10 ओम R1, R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस ये दोनों हो गए, तो ये R इक्विवेलेंट पैरेलल, R1 की वैल्यू 10 ओम और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू 10, सो 10 ओम प्लस 10 ओम R इक्विवेलेंट फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 20 ओम। बड़ा सिंपल था, बस करंट की डायरेक्शन हमें देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के जैसा है बट थोड़ी सी चेंजेस है, थोड़ी सी चेंजेस इसमें क्या है, ए टू बी मूव कर रहा है, यहां पर हमने एक पाथवे बना दिया उसे छोड़ दिया, तो करंट क्या हो रहा है, सिमिलरली आई मूव कर रहा है आई वन आई टू, फिर यहां भी आई वन, यहां भी आई वन आई वन, ये वापस आई वन आ गया, ये वापस आई टू आ गया और ये आई वन गया, यानी I1 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 तीनों में क्या हो रहा है सेम, इट मींस जो ये बन गए वो कैसे हो गए सीरीज हो गए, तो सीरीज इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3R।
ये 3R और ये R, कैसा कॉम्बिनेशन? ये भी R है, कैसा कॉम्बिनेशन है? दोनों के R, R एंड R, 3R बन गया सीरीज, ये सीरीज में और ये क्या हो गया, ये तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज में और R के साथ कैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इनका अगर अब अच्छे से फोटो बना दिया जाए, तो यहां से R, यहां से R, A, B, इनके लिए हम एक ही बना दें 3R, R, 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 ठीक है। ये दोनों कैसा हो गया, यहां से करंट क्या हो रहा है, I1 मूव कर रहा है, I2 मूव कर रहा है, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई 3R, क्या हो गया 3R, आर आर को काट गया 3 प्लस कितना हो गया 3R, 1 बाई 3R प्लस 1, इट में यहां से आ जाएगा 3R, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R बाई 4, 3R बाई 4 हो गया। अब इन दोनों के चलते हम एक ही बना दें, एक ही कॉम्बिनेशन बना दें, R, 3R बाई 4 एंड R, यहां से A, यहां से B, सो R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट A, B इज गिवन बाय R सीरीज में, 3R बाई 4 सीरीज में, R बाई 4 सीरीज में, सो R प्लस 3R बाई 4 प्लस R कितना हो जाएगा, बाई 4 बाई 1, 4R प्लस 3R प्लस 4R, 11R बाई 4, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। फिर से एक बार समझ लीजिए, A से B तक हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, I मूव कर रहा है, सपोज दैट करंट I मूव कर रहा है, यहां पर डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, I1, I1, I1 मूव कर रहा है, सीरीज में लग जाएगा, सीरीज में लगने के बाद हम एक ही रेसिस्टेंस अप्लाई कर दिए तीनों के लिए 3R, अब ये 3R इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस पॉइंट पे देखेंगे तो आई इट मीन करंट जो है I1 और I2 में डिवाइड हो गया, तो I यहां से मूव कर रहा था, तो ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल, पैरेलल के लिए हमने कर लिया, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे दे दिया 3R बाई 4 दे दिया। 3R बाई 4 देने के बाद क्या हो गया कि इनके लिए एक लौता है एक ही रेसिस्टेंस हम अप्लाई कर दिए 3R बाई 4, अब R 3R बाई 4 एंड R ये तीनों कैसे हैं सीरीज में है, तो इनका सीरीज में निकाल करके 11R बाई 4 निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।